नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। आजमगढ़ शहर के सटे शेखपुरा के निवासी व मऊ के घोसी क्षेत्र के विधायक व उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष फागु चौहान को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद फागु पहली बार अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। घर पहुंचने पर भी रिश्तेदार नातेदार समर्थकों ने स्थानीय लोगों ने शुभकामना दी। फागु चौहान ने बिहार में अपनी प्राथमिकता के सवाल पर कहा कि जब बिहार जाएंगे तो वहां के प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेंगे, फिर प्राथमिकता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कभी नहीं सोचे थे कि राज्यपाल के घर की बाउंड्री को पार करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को अपने चयन के बारे में कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य परिवार के बच्चे को बड़े संघर्ष और बल पर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ये दायित्व तो नहीं है। देखिए, शिक्षा हम बता रहे हैं ना कि ये काम तो सरकार और जो संविधान दोनों अलग अलग चीज है। सरकार चलाने के लिए अलग गाइडलाइन है और जो है कला की ये गवर्नर हाउस देखने अलग प्राथमिकता है। अच्छा, राष्ट्रपति जी ने आपको राज्यपाल के रूप में नामित किया है जी। तो जैसे आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक सामान्य परिवार एकदम गरीब परिवार से उस तरीके से किस तरह से अपने संघर्षों को याद करेंगे? देखिए, ये तो पहली ये सरकार है जिसने गरीबों के बारे में सोचने लगी है। नहीं तो फागु चौहान जैसा आदमी जो है बिहार जैसे प्रांत का गवर्नर नहीं बन पाते। पहले कहाँ कोई की जो है कला कि किसी को कोई जो है कला, ये सरकार है कि जो रामनाथ कोविंद को जो है कला कि राष्ट्रपति के रूप में बनाया, जो एक बहुत कम दलित परिवार से थे, पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, ऐसे आदमी को बनाया थे। कम से कम तो अब जो सरकारें आएंगी तो जो है कला कि ये जानेगी कि मतलब कि गरीबों का को कैसे उत्थान किया जाए, कैसे इन लोगों को सम्मान दिया जाए, सबको सोचना पड़ेगा। आपकी प्राथमिक शिक्षा कितने संघर्षों से कैसे हुई? देखिए, हम लोग पहले जो है कला कि हम लोग जाते थे यहाँ हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। बहुत बड़ा गांव हमारा है, हम लोग जाते थे जो है कला कि बाजार में पढ़ने के लिए। कोट मोहल्ले में जो है कला सीताराम मोहल्ले में एक स्कूल होता था, हम लोग वहाँ पे पटरी लेकर के जाते थे और नाले को पौड़ करके जो है कला कि गाँव के बच्चे जाते थे, हम लोग भी उसमें जाते थे। हम लोग बड़ी कठिन परिस्थिति की, हम लोग शिक्षा दीक्षा करना जो है कर, तमाम लोग जो है कला कि दिक्कतें होती थी कि बच्चों को कैसे भेजें, जो है कला बच्चे बहुत फयाने हो जाते थे, वो बच्चे स्कूल जा भी नहीं पाते थे। गवर्नर बनने से आजमगढ़ और मऊ दोनों जिलों की बहुत आशाएं बढ़ गई हैं, तो किस तरह से, हालांकि आप राज्यपाल तो बिहार के रहेंगे लेकिन आजमगढ़ और मऊ के लोग बहुत ज़्यादा आपसे आशान्वित हैं कि किस तरह से विकास के लिए? देखिए, विकास हमने बताया ना, ये विकास का काम तो सरकारें करती हैं, हमारा तो संवैधानिक दायित्व है, हम संविधान के तहत जो है काम करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारियाँ वो संविधान के तहत हैं, न कि जो है कला कि सरकार के प्रति। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।